आज का राशिफल 9th of March 2024। आज का दिन ज्योतिष के अनुसार विशेष महत्व रखता है। शनिवार के दिन का महत्व हमेशा से ही विशेष माना गया है। आज की तिथि चतुर्दशी से अमावस्या की ओर बदल जाएगी, जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नक्षत्रों की बात करें, आज सुबह धनिष्ठा नक्षत्र से शुरू होगा और फिर शतविषा नक्षत्र में आएगा। ये नक्षत्र भविष्य और आगे की प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज के दिन ग्रहों के बनाए गए योग जैसे वाशी, आनंदादी, सुनफा, लक्ष्मी और सिद्ध योग विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। ये योग सकारात्मक प्रभाव लाते हैं और शुभ कार्यों के लिए उत्तम होते हैं। शुभ कार्यों के लिए आज के दिन दो विशेष समय है। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त होगा और दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लाभ अमृत का चौघैया रहेगा। ये समय शुभ कार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। हालांकि राहुकाल सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक रहेगा, जिसे अशुभ माना जाता है और इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह ज्योतिष के अनुसार आज का दिन शुभ कार्यों के लिए उत्तम है और यह विभिन्न ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। आज शनिवार है, साथ ही आज भगवान शिव की महाशिवरात्रि का योग है। शनिवार को भगवान शनि और भगवान हनुमान को समर्पित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। 1. भगवान शनि की पूजा, प्रातः काल में शुद्ध और साफ पानी से स्नान करें। उसके बाद भगवान शनि का मंत्र जप करें या उनकी आराधना करें। शनि चालीसा, शनि स्तोत्र या शनि कवच का पाठ करें। अपनी इच्छा अनुसार शनि देव की प्रिय चीजों को भोग लगाएं। अंत में आरती उतारें और प्रसाद बांटें। 2. भगवान हनुमान की पूजा, समान रूप से स्नान के बाद भगवान हनुमान की आराधना करें। हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का पाठ करें। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पत्ते, सिंदूर और मिठाई का भोग अर्पित करें। आरती उतारें और प्रसाद बांटें। 3. महाशिवरात्रि पूजा, शिव और पार्वती के शक्तिशाली संयोग का अवसर मानते हुए शिवलिंग की पूजा करें। शिव पूजा के लिए शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शिव को धूप, दीप, फल, पुष्प और जल अर्पित करें। आरती उतारें, प्रसाद बांटें और भक्ति भाव से महाशिवरात्रि के पर्व का आनंद लें। इन पूजा पद्धतियों का पालन करके आप भगवान शनि, भगवान हनुमान और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको जीवन में संतुष्टि, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि आज का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज के अनुसार मेष राशि के लोगों के लिए नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर हो सकते हैं। वे अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी वर्तमान नौकरी में सम्मान और उन्नति पा सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए भी ये दिन अच्छा होने की संभावना है। वे नए योजनाओं की रचना कर सकते हैं, जो उन्हें अधिक लाभ और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, लेकिन अहंकार और जिद के कारण परिवार के सदस्यों के साथ कोई असंतोष नहीं होना चाहिए। घर में किसी अतिथि के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा और विशेष तौर पर भाई बहनों के साथ आपसी सहयोग का माहौल बनेगा। इस दिन के संदर्भ में ये सलाह दी जा सकती है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में संवेदनशीलता और समझदारी बनाए रखें, ताकि परिवार के सदस्यों के साथ संबंध न सिर्फ सजीव बने रहें, बल्कि वे उनके साथ उत्तम संवाद और समन्वय में भी रहें। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग लाल। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन भगवान शिव की आराधना करने और पारण व्रत पूरा करने का उपाय आपको आत्मिक शांति, संतुलन और सफलता में मदद कर सकता है। भगवान शिव को माना जाता है कि वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उन्हें जीवन में स्थिरता, समृद्धि और आनंद प्रदान करते हैं। शिव की आराधना करने से आपके मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। इसके अलावा व्रत पूरा करने से आपका आत्मविश्वास और सामर्थ्य भी बढ़ सकता है। यह आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और आपको अपने उद्देश्यों की दिशा में संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा इस उपाय से आप अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और सहानुभूति का अनुभव करेंगे और उनकी मदद करने की भावना में भी वृद्धि हो सकती है। इस उपाय के माध्यम से आप आत्मसमर्पण और निष्काम कर्म की भावना को भी स्थापित कर सकते हैं। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज के आधार पर वृष राशि के लोगों के लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने की सलाह दी जा रही है। इसका मतलब है कि वे सावधानी से अपने कामों को निपटाएं और किसी भी प्रकार की अधिक जल्दबाजी से बचें। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको अपने कीमती सामानों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
आपको अपने मित्र के लिए कुछ वित्तीय सहायता करने की आवश्यकता हो सकती है। यह आपके मित्रता और सहयोग के लिए एक सशक्त अवसर हो सकता है। घर में किसी अतिथि के आगमन से माहौल खुशनुमा और उत्साही होगा। ये समय परिवार के साथ संयोजन और मिलन का समय हो सकता है। आपका मन धार्मिक कार्यों की ओर अग्रसर रहेगा, जो आपके और आपके परिवार के लिए आनंददायक और सामर्थ्यवर्धक होगा। यदि आप किसी पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज के दिन बातचीत के माध्यम से उन्हें हल करने की संभावना है। इसके लिए सही समय और उपयुक्त माहौल मिलेगा। आज के लिए शुभ अंक 26। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय वृषभ राशि के लिए शिव गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप करना है। शिव गायत्री मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसका जाप करने से आपको शिव के आशीर्वाद मिल सकता है। यह मंत्र आपके मन को शांति, स्थिरता और ध्यान में सहायक हो सकता है। शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जाप करने का तरीका, 1. पहले ध्यान स्थिति में बैठे और अपने मन को शुद्ध करे। 2. फिर गायत्री मंत्र का ओंकार के साथ उच्चारण करे, जैसे कि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 3. फिर उसे 1000 बार जाप करें, माला के सहारे या मन में गिनती करते हुए। 4. मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव की ध्यान में रहें और उनसे आत्मिक संबंध बनाएं। 5. जाप के बाद ध्यान और धन्यवाद के साथ जागरूक होकर अपने दिन की गतिविधियों में अग्रसर रहें। शिव गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको आत्मिक शक्ति, उच्च स्तर का ध्यान और भगवान शिव के आशीर्वाद मिल सकता है, जो आपके जीवन को सकारात्मक और समृद्ध बनाने में मदद कर सकता है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनाय हॉरोस्कोप। आज के दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने का सुझाव दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि वे अपने वित्तीय संबंधों को संतुलित रखें और अपनी खर्चे को संयंत्रित रखें, ताकि वे भविष्य में संचय करने के लिए सक्षम हो। किसी पुरानी गलती से पर्दा उठने की संभावना है, जिससे व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिसमें उन्हें सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए उन्हें मेहनत करने और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। आज के दिन व्यक्ति अपनी बेफिजूल के खर्चों को लेकर चिंतित रहेगा। इसके लिए उन्हें अपनी व्यवस्थितता में सुधार करने और धन के उपयोग में संयंत्रितता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। बिजनेस में उनकी योजनाएं गति पकड़ेंगी और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके लिए वे अपनी कार्य योजना में नए और उत्कृष्ट विचारों को शामिल कर सकते हैं। संतान के भविष्य को लेकर आज के दिन व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की संभावना है। ये संभावना है कि वे अपने बच्चे के भविष्य के लिए सम्माननीय निर्णय लेंगे, जो उनके भविष्य को सुदृढ़ करेगा। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग नीला। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के लिए आज का उपाय है शनि मंत्र का जाप करना। शनि मंत्र का जाप करने से शनि ग्रह की शुभता बढ़ती है और उसके अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। शनि मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शांति, संतुलन और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः। जाप करने का तरीका, 1. सबसे पहले एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठें। 2. ध्यान में बैठकर मन को शांत करें। 3. फिर शनि मंत्र को मंत्र जाप के साथ उच्चारण करें, जैसे कि ओम शम शनैश्चराय नमः। 4. मंत्र का 108 या अधिक बार जाप करें, माला के साथ या मन में गिनती करते हुए। 5. मंत्र का जाप करते समय शनि ग्रह की ध्यान और आराधना में रहें। 6. जाप के बाद ध्यान और आभार के साथ अपने कार्यों में लग जाएं। शनि मंत्र का जाप करने से आपको शनि ग्रह की कठिनाइयों से निपटने की क्षमता मिलती है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का अनुभव हो सकता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के लोगों के लिए व्यापार में संघर्ष और सफलता के मिश्रित दिन के रूप में प्रकट हो सकता है। यदि कोई काम पूरा करने में समस्या आ रही थी, तो उन्हें अपने बॉस की सलाह लेने की सिफारिश की जा सकती है। बॉस के सुझाव और मार्गदर्शन से वे अपने कामों को ठीक से पूरा कर सकते हैं और संबंधित उच्च स्तरीय नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का आनंद लेना भी आज के दिन के लिए शुभ माना जा सकता है। यह उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका देता है और उनके संबंधों को मजबूत करता है। आज के दिन आपको अपने कामों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता हो सकती है। एक सूची बनाना और उसमें आवश्यक कार्यों को संयंत्रित करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
आपके बच्चे आपसे किसी चीज के लिए जिद कर सकते हैं जिसमें आपकी सकारात्मक संरस की आवश्यकता हो सकती है। पिताजी की सेहत में गिरावट के कारण आपको अधिक भाग दौड़ करने की आवश्यकता हो सकती है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल और समर्थन में आपका योगदान उत्तम हो सकता है। कार्य क्षेत्र में तरक्की के साथ साथ घर को रिनोवेट करने पर भी आपका पूरा ध्यान रहेगा। यह आपके घर की स्थिति को सुधारने और उसे और आकर्षक बनाने का मौका प्रदान कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग हल्का पीला। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के लिए आज का उपाय है विष्णु मंत्र का जाप करना। विष्णु मंत्र का जाप करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का जाप करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आपको उच्च स्तर की संतुष्टि मिलती है। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करने का तरीका 1। एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठे। 2। ध्यान में बैठकर मन को शांत करें। 3। फिर विष्णु मंत्र को मंत्र जाप के साथ उच्चारण करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4। मंत्र का 108 या अधिक बार जाप करें, माला के साथ या मन में गिनती करते हुए। 5। मंत्र का जाप करते समय विष्णु भगवान की ध्यान और आराधना में रहें। 6। जाप के बाद ध्यान और आभार के साथ अपने कार्यों में लग जाएं। विष्णु मंत्र का जाप करने से आपको दिनचर्या में समृद्धि, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति मिलती है। इसके साथ ही यह आपको अच्छे स्वास्थ्य, प्रेम और संतुष्टि की प्राप्ति में सहायक होता है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज के लिए सिंह राशि के लोगों के लिए लेन देन के मामले में सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उन्हें बिना सोचे समझे किसी डील को फाइनल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। प्रेम जीवन में जिन लोगों को अपने साथी पर विश्वास है, उन्हें आज के दिन धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए वे सतर्क रहें और अपने संबंधों को समीक्षा करें। किसी बाहरी व्यक्ति के साथ आपको कोई आवश्यक जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान होने की संभावना है, जिससे वे छुटकारा पा सकते हैं और घर के वातावरण में सुधार ला सकते हैं। आज के दिन उन्हें अपनी शानदार और शौकिया वस्तुओं की खरीदारी पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, जिससे उनकी आर्थिक खर्च में वृद्धि हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग फिरोजी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय के रूप में राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। राम रक्षा स्त्रोत्र एक प्राचीन संस्कृत मंत्र है जो भगवान राम की स्तुति के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे सुनने या पढ़ने से व्यक्ति को सुख शांति और सुरक्षा का आभास होता है। राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ करने से प्रत्येक वर्ण और शब्द भगवान राम के महानतम गुणों और उनकी शक्तियों की महिमा को स्तुति देते हैं। यह मंत्र समस्त दुखों और आपत्तियों से रक्षा प्रदान करने के साथ साथ शुभ फल और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। सिंह राशि के जातकों के लिए राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ करना उनके जीवन में समृद्धि, स्थिरता और सफलता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह उन्हें सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में स्थिरता और समाधान प्रदान कर सकता है। इसे नियमित रूप से करने से उनके जीवन में आने वाली संघर्षों का समाधान होता है और उन्हें प्राप्त होने वाली सभी शुभ गतिविधियों में सफलता प्राप्त होती है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज कन्या राशि के लोगों के लिए तरक्की के नए मार्ग खोलने का दिन हो सकता है। यदि उन्हें बिजनेस संबंधी कामों में कोई समस्या आ रही थी तो उन्हें आज समाधान मिल सकता है। उन्हें अपनी प्रगति के लिए नए और नवीनतम उपायों का अन्वेषण करने की आवश्यकता हो सकती है। पिताजी के साथ उनकी मन में चल रही उलझनों को साझा करने का समय हो सकता है। इससे वे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद पा सकते हैं और उनका मानसिक संतुलन बना रह सकता है। परिवार के सदस्यों का साथ उन्हें भरपूर मात्रा में मिलेगा और वे साथ मिलकर कुछ पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। इससे परिवार के बीच संबंध मजबूत हो सकते हैं। यदि उन्हें किसी बैंक या वित्तीय संस्था से धन उधार लेने की आवश्यकता हो तो आज वह धन आसानी से मिल सकता है। उन्हें अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने की अनुमति हो सकती है, जिससे उनका मनोरंजन भी हो सकता है। अगर उनका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो आज वह काम पूरा हो सकता है, जिससे उन्हें राहत मिल सकती है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग पर्पल। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है कि वे आज माता पार्वती को चावल का खीर का भोग लगाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यह उपाय उन्हें आनंद शांति और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करता है। चावल का खीर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है, जो उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है।
इस प्रकार व्यक्ति को आनंद और संतोष का अनुभव होता है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को माता दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। यह उनकी रक्षा और संरक्षण करता है और उन्हें सभी बुराइयों से बचाता है। इसके साथ ही यह उन्हें शक्ति, साहस और स्थिरता प्रदान करता है ताकि वे अपने जीवन में सफलता के पथ पर आगे बढ़ सके। इस उपाय को अनुसरण करके कन्या राशि के जातक आनंद, सुख, समृद्धि और संपत्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज के दिन तुला राशि के लोगों के लिए फलदायक और उत्तेजक रह सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए ये दिन अच्छा साबित हो सकता है, जिससे उन्हें अच्छा लाभ हो सकता है। उनकी योजनाएं गति पकड़ सकती हैं और प्रतिस्पर्धा का भाव भी उनके मन में बड़ा रहेगा। वे सोच समझकर अपने काम में आगे बढ़ेंगे, जिससे उनके बॉस भी उनके कामों की तारीफ करेंगे और उन्हें सम्मान प्राप्त हो सकता है। हालांकि कोई संपत्ति संबंधित विवाद हो सकता है, लेकिन इसे सुलझाने की संभावना भी है। उन्हें अपने विरोधियों की चालों को समझने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे उनसे बच सके। इसके अलावा उन्हें किसी की कही गई बातों में बिना सोचे समझे आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर वे सावधानी और समझदारी से अपने कार्यों को संभालते हैं तो आज उन्हें सफलता मिल सकती है और वे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग संतरी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है कि वे आज सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड रामायण का एक अद्वितीय अंश है, जो हमें भगवान हनुमान के वीरता और भक्ति के गुणों का अद्भुत प्रतिमान प्रदान करता है। सुंदरकांड के पाठ से प्रेम और सम्मान में वृद्धि होती है। ये काव्य भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है और इसका पाठ करने से व्यक्ति की आत्मा को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी प्रयासों में सफलता मिलती है और उन्हें प्रेम और सम्मान का अधिक अनुभव होता है। इसे नियमित रूप से करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन साथी के साथ प्यार और सम्मान का अधिक अनुभव करेंगे और उनके बीच विश्वास और संबंधों में मजबूती आएगी। इसके अलावा इस पाठ से उनकी जीवन में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए तनावग्रस्त और चुनौतीपूर्ण रह सकता है। उन्हें कामों में और भी अधिक भागदौड़ करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सके। उनका मन कुछ कामों को लेकर परेशान रह सकता है और यह उन्हें थकान महसूस करा सकता है। यदि उन्होंने किसी से कुछ कर्ज लिया हो तो वह आज उनसे वापसी की मांग कर सकते हैं, जिससे उन्हें और भी दबाव महसूस हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से उन्हें कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है, जो उनको चिंतित कर सकती है। जीवन साथी के साथ उन्हें किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत करने की सलाह दी जा रही है, जो उनके रिश्ते में मधुरता और सम्मान को बढ़ा सकता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में आ रही समस्याओं को समाधान करने की जरूरत हो सकती है ताकि उनकी शिक्षा को लेकर अधिक स्थिरता महसूस की जा सके। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग हल्का हरा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है कि वे हनुमान मंदिर में दीप दान करें और ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। हनुमान जी को समर्पित यह मंत्र उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने और अशुभ ग्रहों से संरक्षण प्राप्त करने में सहायक होता है। हनुमान जी की पूजा और उनके मंत्र का जाप करने से वृश्चिक राशि के जातकों को अधिक साहस, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस उपाय से उनकी भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिलती है और उन्हें संयम और धैर्य के साथ उन्हें पार करने की क्षमता मिलती है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से उनकी आत्मा को शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए सावधानी के साथ बिताने के लिए उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग में ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। अनजाने में होने वाली किसी दुर्घटना से बचने के लिए वे सतर्क रहें। उनके मित्र की सेहत में गिरावट के कारण उन्हें चिंतित हो सकती है। वे किसी को बिना मांगे सलाह न दें, क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। परिवार में लोग उनकी बातों का पूरा सम्मान करेंगे, जिससे उन्हें सम्मान और सहानुभूति की भावना महसूस होगी। ससुराल के पक्ष से कोई व्यक्ति उनसे मिलने आ सकता है, जिससे उनका रिश्ता और मेल जोल बढ़ सकता है। धन उधार लेने से बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि यह उनके लिए आने वाले समय में सावधानी और संवेदनशीलता का संकेत हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने की संभावना है, जो उन्हें आने वाले समय में आनंदित कर सकती है।
अंत में उन्हें अपनी माताजी से किए हुए किसी वादे को पूरा करने की जरूरत हो सकती है जो उनके रिश्तों में सजीवता और सम्मान को बढ़ा सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग आसमानी नीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है कि वे सूर्य मंत्र का जाप करें और सूर्य चालीसा का पाठ करें। सूर्य का जाप और चालीसा पाठ करने से राशि के जातक अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं और अन्याय, असमानता और अशुभता को दूर करने में मदद करते हैं। सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का जाप करने से सूर्य के देवता की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन प्राप्त होता है। सूर्य चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति की जीवन शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि होती है और उन्हें नई सफलताओं की प्राप्ति होती है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है और उनके जीवन में समस्त क्षेत्रों में सफलता का सामना करने में मदद मिलती है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। उन्हें कार्य क्षेत्र में अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को यदि कोई समस्या आ रही थी तो वे उसे टीमवर्क के जरिए समय से पूरा कर पाएंगे जिससे उनका काम प्रशंसनीय होगा। राजनीति में कार्यरत लोगों के कामों का आज कुछ लोग विरोध कर सकते हैं जिससे उनकी छवि पर असर पड़ सकता है। इससे पहले कि इसका असर उनकी प्रशंसा पर पड़े वे सावधानी बरतेंगे। आपको अपने साथियों की किसी गलत बात पर हां में हां मिलाने से बचना होगा क्योंकि बाद में इसके लिए आपको खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी में जमकर मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। उन्हें अपनी ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की विघ्नों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 16। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय है कि वे हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मकर राशि के जातक अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं और उन्हें सभी प्रकार की कठिनाइयों और संघर्षों को पार करने की शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की महिमा का वर्णन है और इसका पाठ करने से भक्त को आशीर्वाद, संबल और सुख की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मविश्वास और साहस मिलता है। इसके अलावा यह उन्हें बुराई से बचाने में मदद करता है और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति की आशा, उत्साह और धैर्य बढ़ता है और उन्हें जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए मकर राशि के जातकों को आज हनुमान चालीसा का पाठ करने से उन्हें आत्मविश्वास, शक्ति और सफलता मिलेगी। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लिए मध्यम रूप से फलदायक होने की संभावना है। यदि आप किसी डील को फाइनल करने की सोच रहे हैं तो सावधानी बरतें क्योंकि फाइनल होते हुए भी कुछ अनिश्चितता बनी रह सकती है जो आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आपने पहले किसी निवेश किया था तो आपको उससे अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन इसे अच्छी तरह से समीक्षा करें और आपके लक्ष्य के अनुकूल होने की जाँच करें। अगर आप किसी संपत्ति की खरीद और बिक्री की योजना बना रहे थे तो इसे सावधानी से विचारें। उसके सभी पहलुओं की जांच करें ताकि कोई नुकसान न हो। प्रेम जीवन में आप अपने साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं जो उनके बीच संबंधों को और भी मजबूत बना सकता है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय है कि वे गणपति बप्पा की आराधना करें और गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। गणपति बप्पा की आराधना करने से व्यक्ति को बुद्धि, बुद्धिमत्ता और समर्पण की भावना मिलती है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से उन्हें सफलता, सुख और संतोष प्राप्त होता है। गणपति बप्पा की आराधना करने से व्यक्ति को विघ्नों से मुक्ति, संतुलन और शांति मिलती है। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से उन्हें नई सोच, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा मिलती है जो उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बुद्धि, धैर्य और समर्पण की भावना मिलती है। इस मंत्र का जाप करने से उन्हें अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को नई सोच, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलती है जो उन्हें उनके जीवन में प्रगति करने में मदद करती है। इसलिए आज कुंभ राशि के जातकों को गणपति बप्पा की आराधना करने और गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से उन्हें आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता मिलेगी। मीन राशिफल टुडेज पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लिए सावधानी और सतर्कता के साथ बिताने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है
क्योंकि कार्यक्षेत्र में आपको किसी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। आपके खिलाफ किसी षड्यंत्र की संभावना हो सकती है, इसलिए आपको अपने आसपास रहे शत्रुओं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी में कामरत लोग अगर किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे हैं तो उन्हें समय निकालने में सफलता मिलेगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे वाद विवाद भी समाप्त हो सकते हैं। इससे परिवार के आत्मिक और सामाजिक संबंधों में मिठास और सद्भावना बनी रह सकती है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग लाल। मीन राशि का उपाय प्रेमरी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है कि वे आज शिव तांडव स्तोत्र का जप करें। शिव तांडव स्तोत्र का जप करने से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। ये स्तोत्र मांगलिक, प्रेरणादायक और ऊर्जावान होता है, जो व्यक्ति को संतुलन और स्थिरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। शिव तांडव स्तोत्र का जप करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और उसका मन शांत होता है। इस स्तोत्र के जप से उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा की भावना उत्पन्न होती है, जो उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। इसलिए आज मीन राशि के जातकों को शिव तांडव स्तोत्र का जप करने से उन्हें मानसिक और आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता मिलेगी।